सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग भी पता है कि जब से डीएलएड की परीक्षा स्टार्ट हुई है और जब तक खत्म हुई है, लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बातें सामने आई कि पेपर में नकल हो रही है और बार बार पेपर आउट होने की घटना भी सामने आई, जिसकी वजह से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में गणित का पेपर फिर से होने वाला है और जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसका भी पेपर एक जिले में एक केंद्र पर फिर से होना है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए 2018 बैच के प्रतिशियों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी देखिए उनके लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उनके भी पेपर आउट हुए थे स्पष्ट रूप से। मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी देखिए आज के न्यूज पेपर में भी ये बात लिखी हुई है कि हाँ, आप लोगों के पेपर आउट हुए थे और किस तरीके से आउट हुए थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए और इस पर पीएनपी की तरफ से क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना आप लोगों के लिए। दोस्तों, पीएनपी इस पर क्या कर सकती है या पीएनपी इस पर क्या एक्शन ले सकती है और क्या सच में आप लोग के पेपर दोबारा होंगे, इन सभी बातों को अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहले पूरी खबर क्या है। दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2018 के चौथे सेमेस्टर यानी कि 2018 बैच के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को दोनों पाली के प्रश्न पत्र लीक हुए थे, यानी कि 11 तारीख को। आपको पता है कि आप लोगों का हिंदी का पेपर था, इसके अलावा इंग्लिश का पेपर था और शांति शिक्षा का पेपर था। मामले में पुलिस ने साल्वर गैंग से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं 3 फरार आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि बुधवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बच्चन सिंह को डीआईओएस राजू राणा और सनातन धर्म इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व केंद्र व्यवस्थापक संजय शर्मा ने डीएलएड परीक्षा 2018 की द्वितीय पाली के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के आउट होने की जानकारी दी। कुछ अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पत्र उपलब्ध होने की बात बताई गई। इस पर प्रभारी निरीक्षक ने इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना के श्याम नगर भरथना रोड निवासी शिवम यादव, जसवंत नगर के जनकपुर निवासी मनीष कुमार सिंह और बसरेहर के पत्तापुरा निवासी निखिल कुमार, मूल रूप से ईट गांव व हाल पता फ्रेंड्स कॉलोनी थाना के शिवपुरी शाला पचावली निवासी प्रशांत कुमार सिंह और नई मंडी यदुवंश नगर निवासी सचिन कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सचिन कुमार ने बताया कि 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति तय करके व्हाट्सएप पर पेपर उपलब्ध करा रहे थे। तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी न्यूज है, आप देखिए दोस्तों, और कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह दी गई है कि ये लोग क्या कर रहे थे। आरोपी जो सचिन कुमार है, जिसे गिरफ्तार किया गया, उसने क्या कहा है कि 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति तय करके व्हाट्सएप पर पेपर उपलब्ध करा रहे थे। यानी कि स्पष्ट रूप से इसने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हम लोग पेपर आउट करा रहे थे। अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए पीएनपी को। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया सचिन कुमार के द्वारा कि हम पेपर आउट करा रहे थे और हर एक बच्चे से एक व्यक्ति को भेजने के लिए 2,000 रुपए ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि पेपर सच में दोस्तों आउट है। फोर्थ सेमेस्टर में भी केवल इंग्लिश की बात नहीं, उस दिन 3 पेपर हुए थे, हिंदी का पेपर भी हुआ था और शांति शिक्षा का भी पेपर हुआ था इंग्लिश के साथ। तो इस तरीके से हिंदी, इंग्लिश और शांति शिक्षा तीनों पेपर इस समय संशय में है कि सच में इसमें पेपर आउट हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों संशय आज पूरी तरीके से क्लियर हो गया। कल जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश का पेपर आउट हुआ था, आज यहाँ पर देखिए जो आरोपी थे उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ, सच में पेपर हमने आउट किया था और प्रति बच्चे से 2,000 रुपए लिए थे जिसको भी पेपर भेजा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पेपर पहले से आउट था और पेपर अगर पहले से आउट है तो निश्चित रूप से इस पर पीएनपी कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। और जैसे ही पीएनपी कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, आप लोगों को पता है कि 2019 बैच के प्रशिक्षुओं का मैथ का पेपर इसीलिए दोबारा हो रहा है और जो सामाजिक अध्ययन एसएसटी विषय है इस पर भी एक केंद्र पर परीक्षा दोबारा होगी सामाजिक अध्ययन विषय की। तो दोस्तों पीएनपी के द्वारा अगर इस पर ठोस एक्शन लिया गया तो निश्चित रूप से आप लोगों के इंग्लिश का पेपर तो ये मान के चलिए कि दोबारा हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं। इसके क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए आरोपी ने खुद कबूल कर लिया है कि इसने 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति तय करके व्हाट्सएप पर पेपर उपलब्ध कराया था। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने पूरा, अब यहाँ पर देखिए 5 लोग ऐसे ही नहीं गिरफ्तार किए गए हैं, इन लोगों ने काफी बड़े स्तर पर पेपर को आउट किया था और बहुत सारे लोगों को इस तरीके से पेपर बेचे थे। तो दोस्तों ये आप लोगों को पता है कि अगर इस पर पीएनपी एक्शन लेती है तो 2019 बैच के प्रशिक्षुओं की तरह 2018 बैच के प्रशिक्षुओं का भी पेपर दोबारा हो सकता है। तो दोस्तों
यहाँ पर ये आज की जो न्यूज निकल कर आई है, इसमें अगर मैं इसके निष्कर्ष की बात करूं तो निष्कर्ष ये निकलता कि अगर पीएनपी ने इस पर ठोस कार्रवाई की और निर्णय लिया और अगर ये सही पाया गया तो निश्चित रूप से आप लोग के इंग्लिश का पेपर तो निश्चित रूप से दोबारा होना ही होना है। दोस्तों देखिए पीएनपी इस पर क्या कहती है, सब कुछ पीएनपी के ऊपर निर्भर करता है कि क्या सच में आप लोगों के इंग्लिश के पेपर दोबारा होंगे। और जैसे ही कोई न्यूज आता है पीएनपी की तरफ से, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। और दोस्तों हम अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर आप लोग की सीटेट के एग्जाम की तैयारी और यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक ही उद्देश्य है, हर एक बच्चा हमारे चैनल से पढ़ करके जाए और वो सरकारी अध्यापक बने, वो प्राइमरी टीचर बने, क्योंकि आप लोग इसी के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो दोस्तों आप प्लीज चैनल से जुड़िए और अपने सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से बेस्ट तैयारी कीजिए अपने सभी विषयों की। तो ऐसे चैनल से बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। डीएलएड 4 सेमेस्टर के सभी विषयों का सॉल्व हमने करवा दिया है। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी विषयों का सोल्यूशन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों का सोल्यूशन देख सकते हैं और सभी विषयों की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।